हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी रिमझिम किताब की एक कविता अध्ययन करेंगे। शीर्षक है नाव बनाओ नाव बनाओ। कवि है हरिकृष्ण दास गुप्त। इस कविता में कवि ने बरसात के मौसम का चित्रण किया है। पानी की बूंदें जब आसमान से धरती पर पड़ती हैं तो बच्चों के अंदर जो हर्ष उल्लास का भाव जागता है उसे ही कवि ने यहाँ पर बहुत ही रोचकता के साथ चित्रण किया है। नाव बनाओ नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, साथ समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि बरसात के मौसम का आगमन हो गया है, धरती पर बारिश होने वाली है। एक बच्चा अपने भैया से नाव बनाने को कह रहा है। आगे बच्चा कहता है कि आकाश में बादल छाए गए हैं, मानो सात समुंदर का पानी वो भरकर लाया है। वह अपने भैया से रस का सागर भरकर लाने को कहता है, अर्थात उबाऊ मन को त्याग कर पानी की बूंदों के साथ मस्ती करने का मन उसे हो रहा है। आगे वह बच्चा उत्साहित मन से कहता है कि पानी सचमुच खूब पड़ेगा, ऐसा लगता है मानो सड़क घर सब कुछ पानी से भर जाएगा, एक नदी सा दृश्य दिखाई देने लगेगा। फिर वह अपने भैया से कहता है कि तुम भी जल्दी से नाव बनाओ और चलो हम मिलकर अपने नाव को लहराते हैं। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए हीरो लो, फिर वाजा लपक तुम लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हराया नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि आगे वह बालक अपने भैया से कहता है कि तुम अपने गुल्लक से पैसे निकालकर बाजार से नाव बनाने के लिए रंग बिरंगा कागज ले आओ, जल्दी से कैंची चलाओ और नाव बनाओ ताकि हम भी इस बरसात का आनंद ले पाएंगे। छप छप कर कूड़े से अड़नी, बूंदे लहरें लड़ती बढ़ती, सबकी आंखें चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, कोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे जल्दी आओ। इन पंक्तियों में बच्चा आगे अपने भैया से कहता है कि मेरे लिए ऐसा नाव बना दो जो छप छप कर कूड़े से अड़ती हुई बारिश की बूंदों और पानी की लहरों से लड़ती हुई निरंतर आगे बढ़ती जाती है, जो सबको पसंद आए। जल्दी से ऐसा नाव तेरा कर मुझे खुश कर दो भैया, मेरे प्यारे भैया, जल्दी से जाओ और नाव बनाओ। लेकिन इस कविता के अनुसार भैया को बारिश और नाव में कोई रुचि नहीं है। वह अपने छोटे भाई से बोल पड़ता है कि यह सब मेरे बस का नहीं है। फिर भी बालक अपने भैया से आलस छोड़कर जल्दी आने का अनुरोध कर रहा है। नाव बनाओ कविता का उद्देश्य है, इस कविता के अनुसार आलस्य एक प्रकार का रोग है, ये हमसे आनंदित होकर जीवन जीने का पल छीन लेता है। अतः हमें आलस्य से दूर रहना चाहिए ताकि हम अपनी इच्छा अनुसार सफलता हासिल कर सकें। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।